नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते खबरों की शुरुआत विकासनगर से खबर, जहां पर ससपुर के सिरपुर गांव में अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने जेसीबी से अवैध रूप से बनाई गई दीवारों को तोड़ दिया और ग्राम पंचायत की 9 बीघा जमीन को मुक्त कराया। शेरपुर गांव में ग्रामीणों ने डीएम देहरादून को ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर शिकायत की, जिसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि ग्राम समाज की जमीन पर प्लॉटिंग के इरादे से अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा था। इसी को लेकर कार्रवाई की गई। महोदय के पास गए और मैंने खुद अपने लेटर पैड दिया, वहाँ पर अपने लेटर पैड पे लिख के दिया। उसके बाद मैं आज बहुत खुश हूँ कि राजस्व विभाग ने और एडीएम सर ने आके मौके पे आके उस अवैध निर्माण को तोड़वाया है। जो जमीन सरकारी होगी और उस पर अवैध कब्जा होगा, ये चिन्हित करेंगे। जेसीबी साथ में है, एक जगह का पता हो गया तो उसकी नींव वगैरह इन्होंने तोड़वा दी है। देहरादून के एक नामी यूनिवर्सिटी में अफ्रीकन स्टूडेंट्स के साथ रेप की कोशिश के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी अफ्रीकन स्टूडेंट मूसा उर्फ जिम्स को अरेस्ट कर लिया। देहरादून पुलिस के पास दिल्ली से एक 0 FIR ट्रांसफर होने आई थी, जिसके मुताबिक देहरादून के प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली अफ्रीकन स्टूडेंट्स ने दूसरे अफ्रीकन स्टूडेंट्स पर रेप का आरोप लगाया था। इसके बाद आरोपी मूसा उर्फ जिम्स को अरेस्ट कर लिया गया। श्रीनगर में बीती रात बेकाबू बाइक सवार 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने दोनों बाइक सवार घायलों को खाई से बाहर निकाला और अस्पताल में एडमिट कराया। घायल युवकों ने बताया कि वो चमोली जा रहे थे, तभी मोड़ पर बाइक बेकाबू हो गई और वो बाइक से खाई में गिर गए, जिनका एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। देहरादून के तमाम फुटपाथों में तरह तरह की बिरयानी, पराठे, फास्ट फूड जैसे आइटम ठेले लगाकर पैदल रास्ते ब्लॉक करने वालों के खिलाफ पुलिस ने अब एक्शन लिया है। 130 से ज्यादा अवैध स्टॉल लगाने वालों के खिलाफ दर्ज की गई है FIR, साथ ही चालान भी काटा गया। पुलिस के एक्शन से कई फुटपाथ पैदल चलने वालों को दोबारा से नसीब हो पाएगी। ऋषिकेश के ब्रह्मपुरी राफ्टिंग पॉइंट के पास पैर फिसलने से एक लड़का गहरी खाई में जा गिरा, जिसकी वजह से लड़की की मौत हो गई। वही सूचना पर एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। नदी से के रास्ते शव को बाहर निकाला जा सका। लड़की का नाम कबीर अग्रवाल है। बताया जा रहा है कि ये देहरादून का रहने वाला था। चमोली से खबर, जहां पर पांडुकेश्वर में बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां पर सड़क कटिंग का निर्माण कार्य चल रहा था, अचानक सड़क कटिंग के दौरान बड़े बड़े पत्थर गिर गए, मकान के अंदर घुस गए। गनीमत ये रही कि घर में उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था, वरना किसी की जान जा सकती थी। लोगों ने सड़क निर्माण करने वाली कंपनी पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। लोगों का कहना है कि मानकों को ध्यान में रखकर सड़क कटिंग का काम किया जा रहा है। ऋषिकेश में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के पास रोड पर जंगली हाथी आ धमका, फिर रोड पर खड़ी कार को पलटने की कोशिश करने लगा। गनीमत यह रही कि कार में कोई मौजूद नहीं था। वहीं आसपास के खड़े ट्रैक्टर की तेज आवाज और शोर करने पर जंगली हाथी की ओर मुड़ गया और फिर कार क्षतिग्रस्त होने से बच गई और हाथी जो था वो जंगल की तरफ निकल गया। दो पत्नियों वाले यूट्यूबर के नाम से मशहूर और बिग बॉस रियलिटी शो के कंटेस्टेंट रहे अरमान मलिक ने हरिद्वार पहुंचकर जबरदस्त हंगामा काटा। आरोप के मुताबिक बुधवार देर रात कुछ लड़कों के साथ हरिद्वार के ज्वालापुर पहुंचे अरमान मलिक ने सौरभ नाम के एक लड़के के साथ मारपीट की। दरअसल सौरभ भी एक यूट्यूबर है और उस पर अपने यूट्यूब चैनल पर अरमान मलिक पर रोस्ट वीडियो बनाकर शेयर करने का आरोप है, जिससे नाराज होकर अरमान मलिक ने सौरभ के घर पहुंचकर उसके साथ मारपीट करने लगा। इस बात का आरोप है। मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने दोनों पक्षों को रेल पुलिस चौकी बुलाया और वहां पर पूछताछ की। पूछताछ में अरमान मलिक ने बताया कि सौरभ ने अपने रोस्ट वीडियो में उसके परिवार के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। पुलिस ने घर में घुसकर गुंडागर्दी करने पर अरमान मलिक को कड़ी फटकार भी लगाई है।
अरमान मलिक मेरे घर आया और अभी उसने घर आके मेरे साथ मेरी माँ के साथ बदतमीजी करी और उसने कहा कि क्या बोलते कि तूने मेरे बारे में ये बोला, 11 साल की बच्ची का रेप करा, मैं तेरी माँ का रेप करता हूँ। उसने एक लड़का और था उसके साथ काला सा, उसने मेरी माँ के दोनों टांग पकड़े और इस अरमान मलिक ने मेरे मम्मी के कपड़े फाड़े। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में आज 172 पोलिंग स्टेशन पार्टियां जो थी सकुशल रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि पहुंच गए, जहां के खेल मैदान में निर्वाचन कलेक्शन सेंटर बनाया गया। इसके साथ ही ईवीएम को कड़ी सुरक्षा में जमा करा दिया गया है। केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव कल ही संपन्न हुआ है। उपचुनाव में करीब 59% तक मतदान हुआ। अब 23 नवम्बर को मतगणना की जाएगी। केदारनाथ उपचुनाव में अब नतीजों का इंतजार है, लेकिन यह सिर्फ एक उपचुनाव भर नहीं है बल्कि दोनों पार्टियों के लिए एक ऐसा चुनाव जिसके नतीजे आने वाले दूसरे चुनाव और उसकी रणनीति पर टिकी हुई है। केदारनाथ में बीजेपी और कांग्रेस ने खुद को साबित करने के लिए पूरा दमखम लगा दिया है। केदारनाथ चुनाव के नतीजे ईवीएम में कैद हो चुके हैं। अब 23 नवंबर को केदारनाथ की जनता का फैसला देश के सामने आएगा। केदारनाथ सीट का रिजल्ट कोई आम उपचुनाव का रिजल्ट नहीं होगा। इस सीट पर जहां बीजेपी प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार की साख का इम्तिहान है, वहीं विपक्ष के ऊपर अयोध्या बद्रीनाथ जीतने के बाद केदारनाथ से बीजेपी को जवाब देने का दबाव है। बीजेपी मंगलौर और बद्रीनाथ का उपचुनाव सरकार होते हुए हार गई, इसलिए केदारनाथ उपचुनाव जीतने का भारी दबाव बीजेपी पर है। यही वजह रही कि मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष खुद इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए केदारनाथ में उतरे। वहीं बीजेपी केदारनाथ जीतकर यह साबित करना चाहेगी कि पहाड़ में पार्टी की पैठ मजबूत है और फिर उसी आत्मविश्वास के साथ बीजेपी निकाय और पंचायत जीतने का प्रयास करेगी। केदारनाथ चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कांग्रेस के कई प्रोपगंडे करने के बावजूद, क्योंकि कांग्रेस ने हार मान चुके हैं, वहां की जनता का नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है, धामी जी पर विश्वास है कि 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ का कायाकल्प किया तो मोदी जी ने किया। केदारनाथ के रिजल्ट पर सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस का आगे का प्लान भी टिका है। मंगलौर और बद्रीनाथ का उपचुनाव जीतकर कांग्रेस कॉन्फिडेंट है। ऐसे में केदारनाथ जीतकर कांग्रेस भी अपनी मजबूती का मैसेज देना चाहेगी और इस एक सीट की जीत के सहारे कांग्रेस 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव तक एक माहौल बना सकती है, क्योंकि जिस तरह केदारनाथ में बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने का चुनाव है, वहीं पोजीशन 2027 में होगी। वहीं आने वाले दिन में पंचायत और निकाय में भी पार्टी को फायदा मिल सकता है। जहाँ जहाँ हमने संपर्क किया है अपने साथियों से, पोलिंग बूथ में हमारे जो कार्यकर्ता डटे हुए हैं, जो हमारे वरिष्ठ नेता वहां पर काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हर पोलिंग बूथ से जो संकेत दिखाई दे रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो उनका कहना है कि हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं और बड़ी जीत होगी। साफ है कि केदारनाथ का उपचुनाव इस बार कोई मामूली उपचुनाव नहीं है। इस चुनाव का रिजल्ट भविष्य में बीजेपी और कांग्रेस की पोजिशन और रणनीति को तय करेगा और रिजल्ट ये भी साफ कर देगा कि आने वाले चुनावों के लिए किसको कितनी मेहनत और करनी पड़ेगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। और केदारनाथ उपचुनाव की वोटिंग के बाद बीजेपी अब निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गई है। देहरादून में बीजेपी ऑफिस में निकाय चुनाव को लेकर मीटिंग हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी जिलों के विधायक और मंत्रियों के साथ मीटिंग की और निकाय चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। मंडी और निकाय चुनाव होने राज्य में होने हैं, तो किस तरह से निकाय चुनाव लड़े जाए, जीतने की क्या रणनीति है, इसको लेकर चर्चा हुई है। सर, आरक्षण वगैरह का मुद्दा भी है अभी? आरक्षण का मुद्दा सरकार का मुद्दा है, ये तो सरकार तय करेगी। उत्तराखंड में 27 नवंबर को पंचायतों का कार्यक्रम खत्म हो गया है। पंचायतें 28 नवंबर के बाद प्रशासकों के हवाले हो जाएंगी। तो उधर साल भर से प्रशासकों के हवाले निकाय में चुनाव की अधिसूचना भी जल्द जारी हो सकती है। इसे देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस अब केदारनाथ के बाद निकाय चुनाव पर फोकस करने वाली है।
केदारनाथ उपचुनाव के लिए वोटिंग होने के बाद राजनीतिक दलों का अब अगला फोकस निकाय चुनाव पर है। पहले निकाय चुनाव में बीजेपी 8 में से 5 नगर निगम, 17 नगर पालिका और 21 नगर पंचायतों को जीतने में कामयाब रही थी। इस बार वो जीत के आंकड़े को और आगे ले जाना चाहती है। देखिए, निकाय चुनाव ड्यू है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराने के हर समय तैयार है। हाई कोर्ट का इंटरवेंशन है तो मुझे लग रहा है अब जल्दी इसका समाधान हो जाएगा और दिसंबर में हम लोग चुनाव कराने की तैयारी में। भारतीय जनता पार्टी जो नगर निकाय हैं और स्थानीय चुनाव हैं उनको प्रचंड बहुमत से जीते, उसी के परिप्रेक्ष्य में इस बैठक को बुलाया गया है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अच्छे रिजल्ट दोबारा से उत्तराखंड में देगी। उत्तराखंड में वर्तमान में नगर निकायों की संख्या बढ़कर 102 हो गई है, जिसमें 11 तो नगर निगम है। कांग्रेस का भी कहना है कि उसकी भी तैयारियां पूरी हैं। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी हार के डर से लगातार चुनाव टाल रही है। एक साल पहले चुनाव होना चाहिए था लेकिन इन्होंने चुनाव नहीं कराया। इनको मालूम है कि ये चुनाव हार रहे हैं और इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसको हम भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि कह सकें। अब चुनाव को टाले जा रहे हैं और अब कह रहे कि हम चुनाव दिसंबर तक कराएंगे। मुझे नहीं लगता कि दिसंबर में भी चुनाव कराएंगे। ये तो बात हुई निकाय चुनाव की, लेकिन निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले 27 नवंबर को प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है, यानी कि 27 नवंबर के बाद पंचायतें भी प्रशासकों के हवाले कर दी जाएंगी। निकाय चुनाव होने के तत्काल बाद सियासी दल एक बार फिर पंचायत चुनाव की तैयारियों में उतर जाएंगे। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र रतूड़ी सेरा और बंदरकोट में भूस्खलन जोन में ट्रीटमेंट के काम कार्य को पूरा करने के लिए प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। उत्तरकाशी डीएम ने यात्रियों और गाड़ियों की सुगम और सुरक्षित आवाजाही के लिए यातायात को बंद रखने और खोलने के लिए समय निर्धारित किया है, जिसके तहत ट्रीटमेंट कार्य पर रात 10:30 बजे से सुबह 6 बजे तक किया जाएगा और इस दौरान हाईवे बंद रहेगा। 19 दिसंबर तक आवाजाही के लिए आदेश जारी कर दिए गए। टेरिटोरियल आर्मी भर्ती पिथौरागढ़ पर भारी पड़ गई। भर्ती में आए युवाओं के हुजूम ने सभी इंतजामों को नाकाफी साबित कर दिया। हालात ये हैं कि स्कूल, हॉल, बसे, दर्जनों लंगर भी इन युवाओं के लिए कम पड़े। पहाड़ी सिटी में पहुंचे युवाओं के चलते सब कुछ ठप सा हो गया। देखिए जरा ये रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में 12 से 27 नवंबर तक टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती चल रही है। शुरू में तो यहाँ सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश के युवाओं ने उत्तराखंड का रुख किया, सब कुछ पटरी से उतर गया। युवाओं की भारी भीड़ ने हल्द्वानी, टनकपुर और पिथौरागढ़ को जाम कर डाला। नतीजा ये रहा कि मैदान से पहाड़ पहुँचने के लिए सैकड़ों बसें भी नाकाफी साबित हुई। वहीं सेना में शामिल होने का सपना सजाए युवाओं को एक साथ कई दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। एक तरफ जहां गाड़ियों के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं, वहीं सोने और खाने के भी लाले पड़ गए हैं। मतलब पहली बात तो बस नहीं मिल रही, टनकपुर से आए, टनकपुर से कोई बस नहीं मिली। ट्रक में सीमेंट के ट्रक में गाड़ी में लोड होकर आए लड़के और रास्ते में पड़ी बहुत समस्या पड़ी। मतलब सर यहाँ दो दो सुख बंदों को छोड़ रहा है, दो बंदे एक बंदे पकड़ रहा है पहली बात, और दूसरी बात ग्राउंड की स्थिति इतनी खराब है कि वहाँ पर दो दो सौ बंदों को एक बाइक छोड़ रहा है और दूसरी बार इतना धूल उड़ रही है कि जो बंदे तो कंक्रीट है, कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग टनकपुर आए थे, इसके बाद वहाँ से दो दो हजार रुपया किराया देकर यहाँ पर आए, 5 किलोमीटर पहले छोड़ दिया, वहाँ से पैदल हम लोग आए यहाँ पर। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, बहुत दिक्कत सर। यहाँ एकाएकाई हजारों की भीड़ ने प्रशासन के भी नाक में दम कर दिया। यही नहीं, सेना को भी युवाओं को कंट्रोल में रखने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। भर्ती स्थल पर मची भगदड़ के कारण कई युवाओं को चोटें भी आई हैं। युवाओं के रहने के लिए प्रशासन ने 16 से ज्यादा स्कूल खाली करवाए हैं और यही नहीं, इनकी वापसी के लिए भी 100 से ज्यादा बसें भी बाहरी जिलों से मंगवाई गई हैं, जबकि खाने के लिए दर्जनों लंगर जगह जगह लगे हैं। लेकिन फिर भी भीड़ का आलम इस कदर है कि ये सब कुछ नाकाफी साबित हो रहा है। ये इनके रहने और खाने की व्यवस्थाओं के लिए अलग अलग जगह 18 जगह लंगर वगैरह लगवाए, 30 जगह विद्यालयों में रहने की व्यवस्थाएं कराई, बारात घरों में कराई। इसके अलावा जो रोडवेज और जो स्थानीय परिवहन है उसके माध्यम से अतिरिक्त बसों की व्यवस्था टनकपुर, हल्द्वानी और अन्य मैदानी क्षेत्रों से करवाई है।
असल में इस हालात के लिए आयोजक भी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं, जिन्हें यह अंदाजा ही नहीं था कि भर्ती में उत्तर प्रदेश के युवाओं की भीड़ इस कदर पहाड़ में उमड़ सकती है। ऐसे में हजारों युवाओं को कंट्रोल करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द तो साबित हो ही रहा है, साथ ही इनके लिए जरूरी सुविधाएं जुटाना भी खासा मुश्किल हो रहा है। कुछ ऐसा ही हाल लगभग हर बस के आगे का है, किस तरीके से यहाँ पर युवा उमड़े हुए हैं, बसों में घुसना चाह रहे हैं, कोई शीशे के ऊपर से भी बसों में घुस रहे हैं। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि आने जाने में सबसे ज्यादा दिक्कत भर्ती में आए हुए युवाओं को यहाँ पर हो रही है। तकरीबन 100 से अधिक बसें यहाँ पर लगाई गई हैं, लेकिन ये बसें भी नाकाफी साबित हो रही हैं। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, पिथौरागढ़। हल्द्वानी में इन दिनों सड़कों को चौड़ा करने का काम शुरू पर है और इस बीच शहर का सबसे चर्चित मंदिर कालू सिद्ध मंदिर भी अपनी जगह से हटवाया जाएगा। इसकी सारी सहमति संतों और प्रशासन के लोगों के बीच हो चुकी है। आज से मंदिर को अपनी पुरानी जगह से शिफ्ट किया जाना शुरू किया जाएगा। प्रशासन ने मंदिर के लिए नई जगह चुनकर दे दी है, जहां पर मंदिर प्रबंधन आज से मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू कर देगा। हालांकि जो नई जगह चुनी गई है वो भी कालाढूंगी चौराहे और मंदिर से चंद कदम की दूरी पर ही स्थित है। पौरी के रांसी स्टेडियम में इन दिनों आयोजित हो रहे खेल महाकुंभ प्रतियोगिता में कई स्कूली छात्र हिस्सा ले रहे हैं। खेल प्रतियोगिता में शामिल पौड़ी जिले के 15 ब्लॉक से आए स्कूली छात्र छात्राएं लॉन्ग जंप, हाई जंप, खो खो, कबड्डी, फुटबॉल थ्रू समेत तमाम खेलों में अपना दमखम दिखा रहे हैं, इससे स्टेट लेवल प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं। मतलब बच्चों को मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि खेल कूद में जितना हो सके हमको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बच्चे पढ़ाई में भी होते हैं, किसी किसी का होता है पढ़ाई लिखाई में भी, लेकिन हमको भी खेल में भी हमको जितना हम मेंटली स्ट्रांग है हमको फिजिकली भी स्ट्रांग होना चाहिए। जो बालक वर्ग की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है उसमें अंडर 14, अंडर 17, अंडर 20 और अंडर 23 की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें एथलेटिक्स और खो खो की प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। बालिका वर्ग में यहाँ पे 16 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। टेहरी जिले में आयोजित खेल महाकुंभ 2024 में खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। खेल महाकुंभ में विकासखंड से आए कई खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। वहीं इस प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी आगे जिला स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। खेल महाकुंभ को लेकर खिलाड़ियों में भी भारी उत्साह है। कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, जूडो, ताइक्वांडो, टेबल टेनिस और बैडमिंटन की प्रतियोगिता होंगी, जिसमें बालक और बालिकाएं बड़े चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और सारे विकासखंडों में प्रतियोगिता पहले हो चुकी है और वहाँ के चयनित प्रतिभागी जो हैं अंडर 14, 17, 20 में वहाँ के चयनित प्रतिभागी संभाग हैं। लाइक इफ यू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन और स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन, सो इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एनी जॉब इन मीन्स लाइक गवर्नमेंट जॉब, सो इट कैन हेल्प यू टू गेट सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स फ्रॉम विच यू कैन गेट दिस जॉब, मीन्स इन कंपेयर टू अदर्स यू कैन गेट दिस जॉब अर्लियर। बागेश्वर से खबर, जहां पर खड़िया खनन पर एक बार फिर से सवाल उठे हैं। स्थानीय लोगों ने कई नियम कानूनों को ताक पर रखकर खनन के आरोप लगाए हैं। क्या है मामला, देखिए जरा इस रिपोर्ट में। बागेश्वर जिले में खड़िया खनन लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। लोगों का आरोप है कि खनन में खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और बेधड़क पॉकलेन मशीनों से खनन हो रहा है, जिसकी वजह से कई तरह की दिक्कत लोगों को हो रही है। ईश्वर के खड़िया खनन क्षेत्र में दर्जनों मशीनें चलने से वहाँ खेती बाड़ी नष्ट हो रही है। मशीन के वाइब्रेशन से ग्रामीण के घरों में दरारें आ रही है। यहाँ देखने वाला कोई नहीं है, रात दिन मशीनें चल रही है, प्रशासन देखकर भी मौन है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार इस प्रकार की जो माइनिंग हो रही है उससे बड़ी बड़ी मशीनें चली है और मानकों से अधिक मात्रा में ये खनन कर रहे हैं, जिससे वहाँ के जल, जंगल, जमीन की जो अस्तित्व था उसको खतरा पैदा हुआ है। बहुत सारे जो हमारे पानी के स्रोत थे, नदी नाले थे, वो सब सूखने को तैयार हैं और इन्होंने मिट्टी बहुत ज्यादा मात्रा में बड़े बड़े विशालकाय गड्ढे बना के जो हमारी रौलियां थी, जो गधेरे होते थे, जो नदियां होती थी, उनको भर दिया है, जहाँ से कहीं ना कहीं पूरे गाँव का अस्तित्व खतरे में पैदा हुआ है। लोगों का ये भी आरोप है कि खड़िया खनन की वजह से गांव के प्राकृतिक जल स्रोतों पर भी संकट गहराने लगा है। वहीं डीएम का कहना है कि नियम कायदे को तोड़कर खड़िया खनन करने वालों पर एक्शन होगा। डीएम, तहसीलदार हैं और जिला खनन अधिकारी हैं,
सभी को निर्देशित किया गया है कि जो एच का रूल है उसी के अनुसार कार्य हो और कोई भी जो निर्धारित समय अवधि होती है उसके बियॉन्ड जाके कोई भी कार्य न करे। अगर कोई भी नियम के विरुद्ध कार्य करेंगे तो उसमें फिर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्य। खड़िया खनन में नियम कायदे ताक पर रखकर काम करने के आरोप लग रहे हैं, वहीं प्रशासन कड़ी कार्रवाई की बात कर रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या एक्शन लिया जाता है। न्यूज 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे सुपर फास्ट खबरों के साथ।